हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। ये वीडियो अगर आप हेडफोन्स लगा के सुनेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। आज की कहानी भेजी है राजस्थान के बीकानेर से मनोज ने। मेरी उम्र 35 साल है और मैं एटीएम की मशीन्स ठीक करने का काम करता हूँ। वैसे तो मेरी प्राइवेट नौकरी है, लेकिन मैं हर तरह के बैंकों के एटीएम्स ठीक करता हूँ, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट। मेरी शादी हुए भी 5 साल हो चुके हैं। वैसे तो मेरी पूजा पाठ में ज़्यादा आस्था नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार भगवान को याद कर ही लिया करता हूँ। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर दिन में ही रहती है, लेकिन कभी कभी रात में अगर कोई मशीन खराब हो जाए तो उसको ठीक करने भी रात में ही जाना पड़ता है। इसी काम के चक्कर में मुझे एक रात अपने सीनियर का फ़ोन आया कि एक मशीन ठीक करने जाना है शहर के बाहर वाले इलाके में। तो मैंने अपनी बाइक उठाई और उस जगह निकल पड़ा जहां वो एटीएम था। आमतौर पर अगर रात में किसी मशीन को ठीक करने जाना होता है तो हम हमेशा 2 लोग जाते थे मशीन ठीक करने, लेकिन तुक्के की बात है कि उस दिन मेरा साथी नहीं आ पाया और मुझे अकेले ही उस मशीन को ठीक करने जाना पड़ा। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। जिस जगह वो एटीएम मशीन थी वो बहुत सुनसान जगह थी, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। नॉर्मली एटीएम्स ऐसी जगहों में होते हैं जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है, लेकिन वो इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था, इसीलिए वहाँ ज़्यादा आबादी भी नहीं थी और कई किलोमीटर में वो अकेला एक ही एटीएम था, इसलिए उसको ठीक करना ज़रूरी था। जब मैं उस जगह पहुँचा तो देखा कि एटीएम के पास ही सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी है। मुझे लगा शायद पैसे निकालने के लिए आई होगी, हालांकि रात के 12:30 बजे कौन लड़की आएगी एटीएम से पैसे निकालने के लिए, ये बात मेरे दिमाग में ही नहीं आई और मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं एटीएम के अंदर चला गया मशीन ठीक करने के लिए। जैसे ही अंदर पहुंचा तो देखा वो लड़की भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ रही है, लेकिन एटीएम के गार्ड ने उसको अंदर नहीं आने दिया तो वो लड़की बाहर वापस चली गई। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मशीन ठीक करने लगा। अचानक मेरी नज़र बाहर गई। बाहर देखते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की बाहर खड़ी है और उसके हाथ में एटीएम के गार्ड का कटा हुआ सर है। मेरा दिल धार धार बजने लगा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बार तो ऐसा लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। हिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन दहशत के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी, मेरे सीनियर का फ़ोन था, तो मेरा ध्यान हटा। उसके बाद मैंने फिर से बाहर देखा तो वो लड़की वहाँ नहीं थी और गार्ड भी सही सलामत बाहर ही बैठा था। मैंने चैन की सांस ली। मुझे लगा शायद नींद की वजह से मैंने कोई सपना देख लिया है। मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट की। बाइक स्टार्ट करते हुए मैंने फिर से एटीएम की तरफ देखा तो फिर से वही लड़की वहीं खड़ी थी, हाथ में सिर लटकाए। मैं बुरी तरह डर गया था, क्योंकि इस बार मुझे यकीन हो गया था कि वो मेरा वहम नहीं है। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट करी और तेजी से वहां से जाने लगा। जब मैं बाइक चला रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई साया मेरे पीछे बैठा हुआ है। मैं बार बार पीछे मुड़ के भी देख रहा था लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। अचानक एक भारी नीम के पेड़ के पास पहुंचते ही मेरी बाइक बंद हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जैसे ही मोटरसाइकिल रुकी तो मैंने देखा कि उस पेड़ पर वो लड़की उल्टी लटकी हुई है और उसके हाथ में एक सिर है और वो जोर जोर से हंस रही थी मुझे देख देख के। ये देख के डर के मारे मेरे पैर वहीं जम गए और मैं वहीं गिर गया। वो पेड़ मुझसे करीब 15 फीट दूर था। मैंने देखा उस लड़की ने पेड़ से एक लंबी छलांग मारी और सीधा मेरे ऊपर आकर बैठ गई। मैं जोर जोर से भगवान को याद करने लगा और इसी बीच मैं कब बेहोश हो गया मुझे याद ही नहीं। जब होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में था। पास के ही गांव के लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में पहुंचाया था। उन लोगों ने बताया कि उस इलाके में एक चुड़ैल रहती है जो आने जाने वाले लोगों को मार के उनका गला काट देती है। भगवान का शुक्र है कि मैं उस दिन बच गया। उस दिन से मैंने कसम खा ली कि कभी रात में ऐसी किसी सुनसान जगह पर अकेला नहीं जाऊंगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आऊँगा एक और डरावनी कहानी लेकर। तब तक गुड बाय।